नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ Hyundai Creta का बेस वेरिएंट। और भाई ये है डीजल वाला वेरिएंट। इसके बारे में बताऊंगा भाई कंपनी बेस वेरिएंट में क्या कुछ फीचर ऑफर करती है और कितनी इसकी कीमत है। शुरुआत करते हैं इसकी चाबी के साथ। चाबी आपको इसमें मिल जाएगी ये सेम जैसी Hyundai की होती है। तीन इसके ऊपर यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं। ये है बूट अनलॉक करने के लिए, ये गाड़ी को अनलॉक करने के लिए, ये है लॉक करने के लिए। फोल्डेबल की इसमें दी गई है, दूसरे वाली मिल जाएगी सिंपल। अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट की। तो फ्रंट में यहाँ पे आपको भाई जो इसका डिजाइन है सेम वैसा ही मिलेगा जो दूसरे ऊपर वाले वेरिएंट है उनके जैसा ही है, मिलता जुलता सा। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, एक तो यहाँ पे आपको इसमें कनेक्ट लाइट नहीं मिलेगी, ये यहाँ पे क्रोम मिल जाएगा। जो इसकी DRL है ये मिलेगी सिर्फ इतने वाला पार्ट, इंडिकेटर यहाँ पे ये दिया गया है। और नीचे यहाँ पे जो इसकी ये लाइट है, हेडलाइट है जो मेन यूनिट, इसका भी डिजाइन थोड़ा सा अलग मिलेगा। यहाँ पे ऊपर ये प्रोजेक्टर इसमें दिया गया है, नीचे यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, ये हाई बीम के लिए, ये लो बीम के लिए। और ये इंडिकेटर है ये भी यहाँ पे हैलोजन इसमें दिया गया है। ये वाला पार्ट पूरा ग्लॉसी ब्लैक मिलेगा, ये यहाँ पे ग्रे कलर दिया गया है, यहाँ पे सिल्वर टेक्सचर मिल जाएगा, ये पूरा रफ ब्लैक है, यहाँ पे कोई फोग लाइट वगैरह इसमें नहीं है। और यहाँ भी पूरा रफ ब्लैक प्लास्टिक ये मिल जाएगा, ये Hyundai का लोगो। अब क्रेटा में ये जो फ्रंट वाली ग्रिल है ना, ये बहुत बड़ी कर दी, इसमें पूरा अंदर हाथ चला जाएगा। देखो इतना खुला यहाँ पे स्पेस आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा गलत है ये, इसमें चिड़िया वगैरह बिल्कुल आराम से जा सकती है अंदर, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। इसके अंदर या तो जाली होनी चाहिए थी, थोड़ा बीच में कुछ ना कुछ इसमें देना चाहिए था, जैसे ब्लैक अंदर दे दिया ना, ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे देना था कुछ ना कुछ, तो उससे थोड़ा सा सेफ्टी हो जाती। तो फ्रंट प्रोफाइल हो गया। साइड प्रोफाइल की बात करूं तो भाई इसमें आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे, सिल्वर कलर का ये मिल जाएंगे इसमें कवर। 205/65R16 टायर का प्रोफाइल है, ब्लैक कलर के रिम दिए गए हैं। साइड में एक क्लैडिंग मिल जाएगी, फेंडर के ऊपर इंडिकेटर है। जिसके ORVM है ये बॉडी कलर मिलेंगे, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक मिल जाएगा। डोर हैंडल ये भी बॉडी कलर है और ऊपर यहाँ पे सिल्वर कलर में मिल जाएगी। ये क्रेटा में भाई सिल्वर ही होता है, अगर आप ब्लैक कलर में लेंगे तो उसमें भी यहाँ पे सिल्वर कलर ही मिलेगा। ये रूफ रेल वगैरह इसमें नहीं है, एंटीना ये सिंपल वाला दिया गया है। पीछे वाला पार्ट ये भी ग्लॉसी ब्लैक है। यहाँ पे इसका हाई स्टॉप लैंप स्पॉइलर के ऊपर मिलेगा, डिफोगर वाइपर वॉशर वगैरह नहीं है। जो इसकी लाइट है ये पूरी यहाँ पे आपको कनेक्ट मिल जाएगी, LED लाइट ये यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाएगा बम्पर पे और 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। बैक गियर के लिए लाइट मिलेगी यहाँ पे। बूट की बात करूं तो यहाँ से इसका बूट ओपन हो जाएगा, मैग्नेटिक बटन ये दिया गया है। पार्सल ट्रे में मिल जाएगी और ये स्पेस देखो भाई है पूरा बड़ा यहाँ पे बूट। अब इसका एक बार मैं आपको स्पेयर व्हील दिखा दूं तो ये है 205/65R16 सेम यहाँ पे आपको इसका ये स्पेयर व्हील इसमें मिल जाएगा। अब चलते हैं अंदर, एक बार मैं इस साइड से और दिखा दूं। ये देखो है सेम यहाँ पे फ्यूल फिलर कैप मिलेगा, शायद से 40 लीटर का इसमें आपको डीजल टैंक मिल जाता है। अब चलते हैं अंदर और बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो ये देखो भाई ड्यूअल टोन इंटीरियर है, यहाँ पे ब्लैक कलर नहीं मिलेगा कहीं भी डैशबोर्ड पे या फिर डोर वगैरह पे, सब जगह आपको इसमें ग्रे कलर मिलता है। यहाँ पे ये लाइट कलर मिल जाएगा, ये थोड़ा डार्क ग्रे है, यहाँ पे भी पूरा ये ग्रे कलर दिया गया है। यहाँ पे स्पीकर के लिए ग्रिल, ये यहाँ पे पानी रखने के लिए बोतल रखने के लिए स्पेस दिया गया है। ये इसके चारों पावर विंडो के लिए कंट्रोल, ये वाला पार्ट मिल जाएगा रफ ब्लैक प्लास्टिक का, बाकी और सब जगह ग्रे कलर ही यूज किया गया है। जो इसके सीट कवर है इस पे भी भाई ग्रे कलर ही मिलेगा। नीचे यहाँ पे साइड में जो ये होता है ना प्लास्टिक पार्ट, यहाँ पे भी सब जगह ग्रे कलर का ही यूज किया गया है। बेस मॉडल है, बेस मॉडल में भी यहाँ पे चारों पावर विंडो मिल जाएंगी। मैनुअली सेंटर लॉक करने के लिए यहाँ पे ये कंट्रोल दिया गया है, डोर ओपनर ब्लैक कलर में, और ये लोकल लॉक करने के लिए। ये इसका जो ORVM है उसको एडजस्ट करने के लिए जॉयस्टिक दी गई है। सीट पे यहाँ पे सेम कलर है जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिया गया है, दोनों कलर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ये लाइट कलर, यहाँ पे ये डार्क ग्रे कलर मिल जाएगा। ऊपर ये एडजस्टेबल इसके हेडरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल सीट इसमें दी गई है, ये हाइट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे लीवर दिया गया है। अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की। तो ऊपर पूरा ये ग्रे कलर दिया गया है, डार्क कलर, यहाँ पे लाइट कलर मिल जाएगा, ये यहाँ पे ब्लैक मिलेगा, रफ ब्लैक है ये, बीच में सिल्वर कलर की पट्टी मिल जाएगी, यहाँ पे ये एसी का वेंट साइड वाला, और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम नहीं होता भाई, बेस मॉडल में म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा। अगर आप एक्सेसरीज तौर पे लेना चाहेंगे तो कंपनी वाले एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे लगा के दे देंगे। यहाँ पे ये कॉपर कलर मिल जाएगा, ये लाइट कलर यहाँ पे ये दिया गया है, ये सेंटर वाले एसी के वेंट, ये वाला पार्ट ये भी पूरा ब्लैक कलर में यहाँ पे मिल जाएगा। ये यहाँ पे मैनुअल एसी के कंट्रोल दिए गए हैं, हैजार्ड लाइट का स्विच, थोड़ा स्पेस ये यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे फोन वगैरह जो भी कुछ आप सामान यहाँ पे रखना चाहो वो रख सकते हैं। ये टाइप सी पोर्ट इसमें दिया गया है, 12 वोल्ट का सॉकेट, USB पोर्ट इसमें नहीं है। बेस मॉडल में भी यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए। ये वाला पार्ट ये ब्लैक है, ये यहाँ पे सिल्वर टेक्सचर दिया गया है, ये वाला पार्ट भी पूरा यहाँ पे ग्रे कलर में दिया गया है। मैनुअल इसका हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट मिल जाएगा, और भाई ये है रबड़ रैप, इस पे लेदरेट का यूज नहीं किया गया, रबड़ है, जैसे स्टेयरिंग के ऊपर रबड़ होता है सेम रबड़ यहाँ पे ये यूज किया गया है। अंदर इसमें स्पेस भी आपको मिल जाएगा, वॉलेट फोन वगैरह बिल्कुल आराम से आप यहाँ पे रख सकते हैं, थोड़ा स्पेस यहाँ पे मिलेगा। ग्लव बॉक्स ये भी यहाँ पे अच्छा खासा इसमें दिया गया है स्पेस। अब बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की और इसके क्लस्टर की। स्टेयरिंग देखो भाई डी कट है, रबड़ रैप है, यहाँ पे कोई कंट्रोल वगैरह नहीं है क्योंकि म्यूजिक सिस्टम इसमें नहीं मिलता। यहाँ पे सिल्वर टेक्सचर ये दिया गया है, ग्लॉसी सिल्वर है। ये वाले कंट्रोल दिए गए हैं इसके MID के लिए। एडजस्टमेंट की बात करूं तो भाई स्टेयरिंग को आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वाइपर के लिए कंट्रोल दिए गए हैं, ये है इसके हेडलैम्प के लिए। अब बात करते हैं इसके क्लस्टर की। तो भाई मैं एक बार चाबी लगा के
और इसको कर देता हूँ यहाँ पे स्टार्ट। अब बात करें इसके क्लस्टर की, तो भाई यहाँ पे आपको पूरा ये डिजिटल इसमें क्लस्टर मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी शो करेगा, सेंटर में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी अलग अलग, जैसे अब डोर ओपन है तो उसकी यहाँ पे वार्निंग इसमें शो कर रहा है, यहाँ पे इसकी स्पीड दिखाएगा, यहाँ पे आरपीएम शो करेगा, यहाँ दिखाएगा ये इसका इंजन का टेम्परेचर और यहाँ पे दिखाएगा फ्यूल, ये यहाँ पे इसका आउटसाइड टेम्परेचर और ये है यहाँ पे ओडोमीटर। इसमें आपको अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी मतलब एमआईडी में इन्फॉर्मेशन आपको कुछ भी चेक करनी है, उसके लिए यहाँ पे ये कंट्रोल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे अब ये ट्रिप से रिलेटेड इसमें डाटा दिखा रहा है, सिंस रिफ्यूलिंग वगैरह ये यहाँ पे शो करेगा इसमें। यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, बाकी चीजें चेक करनी तो ये वाला बटन जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये आएगा यहाँ पे सेटिंग, ड्राइव असिस्टेंस, क्लस्टर लाइट, डोर, ये सारी यहाँ पे सेटिंग आपको इसमें मिल जाएंगी। आगे चले तो यहाँ पे ये टायर का प्रेशर दिखाएगा, यूरिया का लेवल, क्योंकि भाई ये डीजल वाला वेरियंट है। आगे यहाँ पे दिखाएगा इसमें ये ट्रिप से रिलेटेड डाटा, यहाँ पे ऑटो स्टॉप आएगा, करंट ट्रिप का ये डाटा शो करेगा, सिंस रिफ्यूलिंग, सिंस लास्ट रिसेट, ये इसमें पूरा आपको इन्फॉर्मेशन शो करता है। तो ये हो गया इसका फ्रंट रो। सेकंड रो की बात करें भाई, सेकंड रो में क्या कुछ इसमें फीचर्स वगैरह मिलते हैं, यहाँ पे और दिखा दूं। यहाँ पे आइडल इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, और ये है हेडलाइट लेवलर। मैनुअल वेरिएंट है तो भाई यहाँ पे तीन पेडल आपको मिलेंगे और एक साइड में डेड पेडल भी इसमें दिया गया है। अब चलते हैं इसके सेकंड रो में, ये है फ्यूल लिड ओपन करने के लिए। स्पेस वगैरह तो भाई क्रेटा में कोई दिक्कत है नहीं। पीछे वाला डोर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कोई भी कर्टन वगैरह इसमें नहीं दिया जाता कंपनी की तरफ से। इसका डोर ओपनर जैसे आगे वाले डोर का थीम था, सेम थीम दिया गया है यहाँ पे पैनल पे। ये पूरा ब्लैक मिलेगा, पावर विंडो के लिए कंट्रोल, बोतल होल्डर, यहाँ पे स्पीकर के लिए ग्रिल, ये पूरा यहाँ पे लाइट ग्रे कलर दिया गया है। यहाँ पे बात करूं तो सीट कवर का सेम डिजाइन है आगे वाली सीट की तरह ही, एडजस्टेबल दो हेडरेस्ट दिए गए हैं, 60-40 सीट स्प्लिट का आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा, बीच में आर्मरेस्ट दिया गया है, हेडरेस्ट सेंटर में नहीं है कोई भी, दो ही हेडरेस्ट दिए गए हैं, और जो इसका ये आर्मरेस्ट है इसके अंदर का होल्डर वगैरह मिल जाएंगे। आइसोफिक्स सीट के लिए हुक दिए गए हैं, तीन सीट बेल्ट इसमें दी गई है। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं इसका स्पेस वगैरह, तो ये देखो भाई इतना यहाँ पे नी स्पेस मिलेगा, 100 थाई स्पोर्ट ये ठीक ठाक इसमें दिया गया है, तीन लोग बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये भी ज्यादा ऊंचा नहीं है, तो तीन लोग आराम से यहाँ पे एडजस्ट इसमें कर सकते हैं। ये फोन रखने के लिए यहाँ पे स्पेस, दो टाइप सी पोर्ट दिए गए हैं फोन वगैरह चार्ज करने के लिए, और यहाँ पे ये इसी के वेंट दिए गए हैं सेकंड रो के लिए। ऊपर यहाँ पे लाइट आपको मिल जाएगी, फोल्डेबल ये ग्रैब हैंडल, यहाँ पे भी हैंडल ये दिया गया है, जो इसकी सीट बेल्ट है इसकी हाइट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे दिखाना भूल गया भाई मैं, डिमिंग IRVM दिया गया है, मैनुअली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वैनिटी मिरर, ये फोल्डेबल इसका ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे टिकट होल्डर इसमें दिया गया है। आगे की तरफ कोई भी लाइट वगैरह इसमें नहीं है, लाइट मिलेगी सिर्फ ये पीछे सेंटर में, और ये भी है भाई येलो कलर की। अब चलते हैं बाहर और बात करते हैं इसके इंजन पावर वगैरह की। एक बार मैं इसका इंजन बे है जो वो ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे दिया गया है इसका बोनट ओपन करने के लिए। गाड़ी स्टार्ट है, ये है इंजन भाई इसका 1500 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन। इसकी आवाज आप सुन सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट में भी इतनी ज्यादा नॉइस नहीं है, डीजल इंजन है लेकिन तब भी यहाँ पे इतनी ज्यादा आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। हुंडई की गाड़ियों में ये बहुत बढ़िया बात है भाई, पेट्रोल वाले तो बिल्कुल साइलेंट होते ही है, लेकिन जो ये डीजल वाले है इनमें भी ज्यादा शोर शराबा नहीं होता। तो भाई जिसको ज्यादा शोर शराबा नहीं पसंद, साइलेंट गाड़ी पसंद है, वो ले सकता है हुंडई और किया की गाड़ी। तो ये है क्रेटा का बेस मॉडल। पावर वगैरह की बात करूं तो भाई 1500 सीसी का इसमें डीजल इंजन ये दिया गया है, यूरिया वगैरह आपको इसमें डलवाना पड़ेगा। पावर मिलेगी इसमें आपको 114 bhp की, और जो इसमें टॉर्क दिया गया है वो है 250 Nm का। बढ़िया पावर इसमें आपको मिल जाएगी, टॉर्क वगैरह इसमें आपको बढ़िया मिलेगा। फीचर्स वगैरह बेसिक से सारे इसमें दिए गए हैं। एक इसका जो ORVM है वो कंट्रोल करने के लिए कोई इसमें अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं दिया गया, मैनुअल दिए गए हैं। और दूसरा भाई इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं है। म्यूजिक सिस्टम चलो चल भी जाए काम, बाहर से लगवा दें, लेकिन ORVM लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ये कंपनी को देने चाहिए थे। बाकी और कोई कमी नहीं है गाड़ी में, सारे फीचर बढ़िया दिए गए हैं, चलाने में बढ़िया है, बढ़िया भाई मार्केट वैल्यू है, रीसेल वैल्यू भी अच्छी खासी आपको मिल जाएगी। इसकी कीमत की बात करूं तो भाई 12,56,000 रुपए इसकी एक शोरूम कीमत है। ऑन रोड कीमत भाई आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं वहां पे क्या कुछ होगी, क्योंकि हर एक शोरूम पे, हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में आपको प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्टेट वाइज भाई जो इसका टैक्स वगैरह है उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है, बाकी शोरूम वाले कोई एक्सेसरीज वगैरह इसमें ऐड कर देगा, कोई कुछ करेगा, तो ऑन रोड कीमत इसलिए कम ज्यादा होती रहती है। तो ये था भाई बेस वेरिएंट क्रेटा डीजल का ई वेरिएंट, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना भाई। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Yeah, 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 yeah.